आपने अभी तक नेताओं और अभिनेताओं के साथ ही सरकारी गनर देखे होंगे, लेकिन यूपी के एटा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक ठेले वाले को जिला पुलिस की ओर से दो गनर दिए गए हैं। गनर भी मामूली नहीं, जो कि AK-47 से लैस हैं। यूपी के एटा में सड़क पर ठेला लगाकर कपड़े बेचने वाले एक दुकानदार को लोग देखकर हैरान हो रहे हैं। लोग ही नहीं, खुद वह शख्स भी हैरान रह गए जब उनके ठेले के पास AK-47 से लैस दो सिपाही आकर खड़े हो गए। शुरू में उन्होंने समझा कि ये तो ग्राहक हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वे उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं। अब रामेश्वर दयाल नाम का यह युवक रोड पर खड़े होकर कपड़े बेचते हैं, पीछे दो कुर्सियां डालकर पुलिस वाले बैठे रहते हैं। उनकी दुकान पर पुलिस कर्मियों को देखकर अक्सर खुद ग्राहक भी हैरान रह जाते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों सरकारी गनर उनके ठेले के पास खड़े रहते हैं, खुद उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रामेश्वर दयाल। क्या मामला है जिसमें आपको सुरक्षा प्रदान की गई? भाई साहब जगह घेर ली थी। किसने घेर ली थी? रामेश्वर दयाल, रामेश्वर विधायक, पूर्व विधायक। जगह घेर ली थी हमारे भाई से, मानसिक रूप से मतलब डिस्टर्ब था। अच्छा, उसमें मुकदमा दर्ज कराया हुआ? तो ये सुरक्षा जो मिली है तो कोर्ट के आदेश से या कैसे? कोर्ट के आदेश से बताया। इस मामले में आरोपी सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और भाई जुगेंद्र सिंह यादव ने इस केस के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। इसमें कहा गया है कि यह FIR झूठी है और उसे खारिज कर दिया जाए। सुनवाई के दौरान जब जज ने रामेश्वर दयाल को देखा तो इस पे कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पीड़ित सुरक्षा के बिना यहाँ तक कैसे आ गया, पुलिस ने अभी तक उसे सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई। इसके बाद न्यायाधीश ने पीड़ित को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश जारी किए। तब से उनकी सुरक्षा में AK-47 से लैस दो सरकारी गनर तैनात रहते हैं। NVT ऑनलाइन की रिपोर्ट।